हेलो एवरीवन, वेलकम टू झलक विद आइडियाज़। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए क्रोशिया से बने हुए बेड कवर, बेडशीट और टेबल कवर के डिज़ाइन। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन, यूनिक डिज़ाइन मिलेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच करिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारे डिज़ाइन ऐड किए हैं। तो इस तरीके से आप भी देखिए, वाइट धागे से बेडशीट बना सकते हैं, टेबल कवर बना सकते हैं, और इसको बनाना बहुत आसान है अगर आपको क्रोशिया का डिज़ाइन आता है, क्रोशिया क्रुश चलाने अगर आपको आता है। तो इस तरीके से देखिए, पहले आपको एक स्क्वायर में इसे सैंपल तैयार करना होगा, मतलब एक इस तरीके से डिज़ाइन बना लेना होगा। फिर इसी तरीके का बहुत सारा स्क्वायर स्क्वायर शेप में छोटा छोटा बहुत सारा तैयार करके फिर सबको जोड़ दिया जाता है, तो बड़ा सा टेबल क्लॉथ बन जाता है या फिर बेड कवर बन जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा सा टेबल, जैसे 7x6 6x7 का बेडशीट बनता है, तो आपको उतना बड़ा इसको एक ही बार बनाना है, नहीं। पहले आपको छोटा छोटा स्क्वायर शेप में या फिर राउंड शेप में, पहले आपको यहाँ पे सैंपल भी वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा छोटा छोटा, तो उसी तरीके का सैंपल बहुत सारा बना लिया जाता है, फिर सबको जोड़ दिया जाता है आपस में। और कलर कॉम्बिनेशन वाला भी आप बना सकते हैं, आप एक कलर का भी बना सकते हैं, आप दो कलर का भी बना सकते हैं, जैसा आपको मन हो। तो यहाँ पे आपको वीडियो से बहुत सारे आइडिया मिलने वाले हैं। अगर आपको क्रोशिया से बना हुआ चीज़ पसंद आता है तो आप टेबल कवर, टीवी कवर या फिर बहुत सारा कुछ आप बना सकते हैं। तो देख सकते हैं, इस तरीके का डिज़ाइन रहता है। तो ऐसा ही आपको बहुत सारा बनाना होता है। जैसे अगर टेबल क्लॉथ आप बना रहे हैं, तो उसके लिए कम से कम आपको 20-25 ऐसे बनाने होंगे और उसको जोड़ देना होगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो की स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। कलर कॉम्बिनेशन भी आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। तो इस तरीके से अगर आपको क्रोशिया बनाने आता है तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगता है, बहुत टिकाऊ भी होता है ये सारा चीज़।